भारत ने पाकिस्तान को चारों कोने से घेरने की पुख्ता रणनीति बना ली है और सोमवार को भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा की और पीएम मोदी ने यह कहकर इरादे साफ कर दिए कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो कल यानी कि 29 सितंबर को 20 साल पुराने एक और समझौते की भारत समीक्षा करेगा और इसके तहत पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर फिर से विचार हो सकता है। मुमकिन है कि इसे रद्द किया जाए या फिर इस समझौते को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ WTO जाने की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया है जो WTO के तहत जरूरी है। 29 सितंबर को बुलाई गई समीक्षा बैठक में पीएम मोदी के अलावा विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में यह दर्जा दिया था, जबकि पाकिस्तान ने भारत को आश्वासन दिया MFN दर्जा नहीं दिया। इस चौतरफा अटैक के लिए सरकार पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है और अहम बात यह है कि इस मामले को लेकर भारत में तमाम सियासी दल एकजुट हैं। सरकार की जो एक ओवरऑल जो अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान को घेरना है और उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको अटैक करना है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी थी। $615 बिलियन से अधिक का हमारा कुल ट्रेड दुनिया से है, उसमें लगभग $2.25 बिलियन का ट्रेड पाकिस्तान से है, तो ये 0.5% से भी कम है, तो सांकेतिक है, परंतु सांकेतिक कदम भी उठाने चाहिए। और भाई आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान को क्या बेचता है। कॉटन 21%, ऑर्गेनिक केमिकल 16.7%, चीनी 10%, खाद्य उद्योग का कचरा 8%, सब्जियां 8%। पाकिस्तान भारत को क्या बेचता है वो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। फल 16%, कॉटन 14%, नमक पत्थर चूना 12%, तेल ईंधन 9%, ऑर्गेनिक केमिकल 9%। तो भारत की तरफ से चौतरफा हमले की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान पर और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत क्या क्या बेचता है पाकिस्तान को। तो आपको बता दें कि कल यानी कि 29 सितंबर को 20 साल पुराने एक और समझौते की भारत समीक्षा करेगा। इससे पहले सिंधु जल समझौते पर भी पुनर्विचार की बात भारत की तरफ से की गई और कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल 20 साल पुराने एक और अहम समझौते पर समीक्षा की जाएगी।